यार सागर, कहीं से भी 2 लाख रुपए अरेंज कर दे भाई। तुझे पता है ना बहन हॉस्पिटल में है, अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो बच नहीं पाएगी वो। यार वो बात तो ठीक है और मुझे पता है, और तुझे पता है ना कि 2 लाख रुपए कितनी बड़ी रकम है, इतनी जल्दी हम कहाँ से लेकर आएंगे। और जब भी हमने थोड़े दिन पहले चेन चुराई थी उसकी वजह से हम पुलिस की नजरों में आ गए हैं, हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ दिन तो हमें शांत बैठना पड़ेगा। और रही बात उस चेन की जो हमने पिछले हफ्ते चुराई थी, उसके पैसे तो हमने अपनी बहन के इलाज में लगा दिए ना। यार देख, शांत तो नहीं बैठ सकते ना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगी भाई। अरे नहीं नहीं दीपांशु, ऐसे मत बोल यार, हम अपनी बहन को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे शांत नहीं बैठ सकते। वो रही लड़की, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसके पास, चल। मैडम मैं क्यों पकड़ता, चीज आपकी चोरी हुई है, मैं फालतू में इन लपड़ों में नहीं पड़ता। मदद नहीं कर सकते तो इस तरह हंस के मजाक तो मत उड़ाओ। अरे जाओ ना मैडम, ऐसा है तो खुद क्यों नहीं पकड़ लिया उनको, इंसानियत रह ही नहीं गई है। उतर उतर उतर। पुलिस? हाँ पुलिस, मुझे बहुत कंप्लेन आ रही थी कि इस एरिया में बहुत चोरी हो रही है, बहुत चेन स्नैचिंग हो रही है, पर कल तो तुम लोगों ने मेरी बहन की चेन चुरा ली। दीदी दीदी, मैं रास्ते से आ रही थी, दो लड़के बाइक से आए और उन्होंने मेरी चेन चोरी कर ली। क्या तुमने उनका बाइक का नंबर नोट किया? नहीं दीदी, पर कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड का भी चेन स्नैच किया था और आज तो एक आंटी को चोट आ गई इनकी वजह से। दीदी आप प्लीज कुछ करो। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ करती हूँ, चल। मैम आप हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया की SH हूँ। तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? लोग इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, उसकी ज्वेलरी बनवाते हैं और तुम लोग एक मिनट में वो ज्वेलरी चुरा लेते हो। दूसरों के बारे में सोचते तक नहीं हो कि उन पे क्या बीतेगी। कोई कितनी मेहनत से चीज बनवाता है, कोई किसके लिए काम करवाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उन लोगों का क्या? कल को तुम्हारी बहन के साथ ऐसा होगा, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होगा, तुम लोग क्या सह पाओगे? बोलो ना। मैम एक्चुअली हमने ये सब इसलिए किया था क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमने जानबूझकर नहीं किया। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई इन्हें चेन चुराने पड़ रही है? वो मैम हमारी बहन हॉस्पिटल में है, उसे कैंसर है लास्ट स्टेज, और इस बार हॉस्पिटल का बिल नहीं भराना तो वो बच नहीं पाएगी, बस इसलिए ये सब किया। अच्छा तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में, तो इसका मतलब तुम बुरे काम करोगे, लोगों की चेन चुराओगे। जो तुम चेंज चलाते हो उन लोगों पे क्या बीतती है? किसी का एक्सीडेंट होता है वो भी तो हॉस्पिटल जाते हैं ना। तुम्हें खुद की बहन का दिखाई दे रहा है, तुम जिन लोगों के चेंज चलाते हो उनका क्या? उन लोगों पे क्या बीतती होगी? उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी? कभी सोचा है तुम लोगों ने? तुम लोगों के चेंज चोरी करते हो तुम उससे पहले एक बार भी नहीं सोचते। किसी का गला कट जाता है, कई लोग बाइक से गिर के मर जाते हैं, कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनका क्या? तुम लोगों को सिर्फ अपना अपना दिखता है। तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा भी है कि उन पे क्या बीतती होगी? मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा और हम आइंदा कभी ये काम नहीं करेंगे, प्लीज। माफी तो तुम लोगों को नहीं मिलेगी, जो तुमने किया उसका सजा जरूर मिलेगी। हाँ अगर तुम लोग सुधर के आओ, मुझसे प्रॉमिस करो अब तुम लोग बुरे काम नहीं करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। और रही तुम्हारी बहन की बात, उनका इलाज मैं करवाऊंगी। ठीक है मैम, हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम जब भी जेल से छूट कर आएंगे हम एक नए काम की शुरुआत करेंगे, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारे समाज के लिए बुरा हो। लेके चलो इन्हें। चलो।